नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी पुलिस 2015 के फर्जीवाड़े के बारे में बताने वाला हूँ। ये न्यूज़ अमर उजाला से मैं लेके आया हूँ आपके लिए, बिल्कुल आज की ताज़ा न्यूज़ है। अगर आपने भी 2018 यूपी पुलिस 2018 में ऐसी गलती की है तो आप सावधान हो जाइए, आपको डिबार कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। आप कभी भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, अगर आपने अगर ऐसा किया है तो। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये है कि जिले के 3 रंग रूटों ने भी किया फर्जीवाड़ा, अर्थात सिपाही भर्ती 2015। देखिए, मैं पूरी न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। 2015 अब गिरेगा 1 लाख पर एक पर लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज, अन्य दो पर भी होगा केस। अर्थात इलाहाबाद में, यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया फर्जी मार्कशीट लगाकर पाई थी नौकरी, सत्यापन में खुलासा, कई और मामले खुलने के आसार। इलाहाबाद से 932 अभ्यर्थियों का चयन सिपाही के पद पर हुआ था। इसमें 30 के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कोड सत्यापन की रिपोर्ट आना बाकी है। 3 चयनित रंग रूटों के शैक्षिक प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए। यहाँ देखिए, फर्जी पाए गए 3 लोगों के सत्यापन के दौरान जो प्रमाण पत्र थे वह फर्जी पाए गए। ये कहा है राकेश कुमार सिंह, SP प्रोटोकॉल व नोडल अफसर सिपाही भर्ती 2015 के। इन्होंने बताया है, ये पूरी यहाँ पे न्यूज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे फर्जीवाड़ा हुआ था। 2015 में फर्जी मार्कशीट लगा के नौकरी पाई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए। दोस्तों, अगर आपने से भी किसी ने यूपी पुलिस 2018 में ऐसी गलती की है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिल्कुल भी ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने की है तो आपको डिबार कर दीजिएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस आपको ये न्यूज़ देनी थी, बस आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना था। किसी भी तरह की, मतलब कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि आपके भविष्य पर कोई संकट आए, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसे आपको डिबार कर दिया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके पास ये न्यूज़ पहुँच पाए कि किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है और इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।